time to cross it over. गजब करते चाय में भी खा सकते हो और किचन के बेसिन में भी एकदम खूब खा कर रहे हो एकदम गजब बुद्धि का तभी सब अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर ले ब्रह्मा जी हैं कि एकदम रोक ले अपना श्वास को हम अब अब हम क्या देखो ना कुछ कैसा लग रहा है अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है जी तो मेरा खोखिया खखारवा से तुम्हारा जुलरिया खराब है आओ खखार गिरेगा तो साइन आ जाएगा चमक जाएगा वो हम खांसे जा रहे हो खांसे तो मास्क नहीं पहन सकते हो तुम कोविड उविड हुआ गया है हमको जो मास्क पहनने बोलते ऐसे रही हो कोविड हो जाएगा अगर हमको आज तक तो हुआ नहीं भगवान की कृपा से अगर सही में कोविड हो जाए तुम लगता है हमको छोड़ उड़ के भाग लोगे अपना मायके भी तुमने नहीं तो उड़ते नहीं देखे हैं जी अभी ये हाल है तो बुढ़ापा में क्या करोगे लगता लतिया उतिया के घरवा से निकाल दोगे बूढ़ा हो जाएंगे तब वाहियात इंसान हो ना तुमसे तो बात हाइजीन नाम का ना चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर हाइजीन हाइजीन करते हो गांव में सेंट लगा के दिन भर घूमते रहे हाइजीन नाम का चीज नहीं है देखो देखो कैसे वो थूकने का जब तुमको दिख रहा है जो थूक दिया आराम से तो हम क्या करें मुंह गड़िया में ठेपी लगा घूमते रहे अब पति का थूक खखार गुम सब पत्नी के लिए पवित्र होना चाहिए घिनना नहीं मानना चाहिए आज इतना घिनना बढ़ रहा है पहले मुहमा मुहमे में घुसा रहता था ई मुहमा का बिस्कुट बा ऊ मुहमा में ऊ मुहमा का बिस्कुट बा ई मुहमा में तुम ही लोग ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है यार लड़का ही लोग ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है जहाँ मन करता है वहाँ निकाल देता है काहे तो लड़की को झड़झड़ी नहीं होता है पतला पतला लड़की को नहीं होता है देखो तो टॉन्सिल बढ़ गया है अरे कस कैसे खोखे ना हल्का सा पिटक दिए पैंट में मैं पैखाना निकल गया पैंट में इसी में पिटके हैं अरे 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 यार अभी मजा आएगा ना भिड़ो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल फन फन ब्लॉग कैसे हैं आप लोग भी करते हैं आप लोग अच्छे हम लोग भी अच्छे गाइस आज का प्रैंक बहुत हंसने वाला है रात में मैंने लस्सी और फ्रूटी दोनों पी लिया था उसके कारण मुझे खराश आया तो सोचा ना सोनल पे आज कफिंग प्रैंक करते मतलब थूक खखार का बौछार कर देंगे आज सोनल के ऊपर अगर आप लोग को थूक खखार का बौछार देखना है तो वीडियो को आगे देखो और हाईलाइट देख के आप लोग समझ गए होगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर लो जी कफ मांगी थी देखना तो हम धो लेते हैं अरे तो बाहर मेसिन में नहीं खा सकते हो अरे अचानक खखार उखार आ गया जी खोखी खखार आ गया तो क्या करे कंट्रोल करने का चीज है जी सर गजब कर चाय में भी खा रहे हो किचन के बेसिन में भी एकदम थूक थाक कर रहे हो एकदम गजब बुद्धि का तभी सब अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर ले ब्रह्मा जी हैं कि एकदम रोक ले अपना श्वास को हम अब खखार आ रहा है कफ आ रहा है खरसर्दी खांसी हो गया चेबल लाल हो रहा है बंद करो ना इसको खांसे जा रहे हो उसी में खांस लो नहीं तो उसी में थूक भी तो चाहिए ठीक है अब थूक खखार आएगा तो आदमी खोके खांसेगा ना जी तो जरूरी तुम चाय में ही खांसोगे घर जाके खांस नहीं सकते हो कफ नहीं निकाल सकते हो कहा हुआ जी कैसे एकदम थूके जा रहे हो जी एकदम बेसिन बेसिन में जी थूक खखार आएगा तो मुंह बंद कर ले टेप मार ले मुंह में तुम्हारे डर से खोखे खाके नहीं है अब खखार आ रहा है तू कर रहा फेंके नहीं यही करोगे किचन में ही थूकोगे गजब औरत से हमको बिया हुआ है मतलब हते मुते खोखते खखरते परेशान कर रही है लग रहा है हम आदमी ये नहीं है जब हो यार लेकिन तुम भी यहाँ पे तुम थूकते तो वहाँ तुम नहीं जा सकते हो बेसिन थूकने वाला बेसिन है अचानक आया लगा उल्टी हो जाएगा यहाँ कफिंग कफिंग लग रहा है जी आज खांसी हुआ है तो तुम खोखते खखरते मुत्ते हकते हमको परेशान कर रही हो लग रहा है कि तुम मुंह में टेपा मार के बंद करके रखे गजब हो रहा था अब खखरे उखरे का नहीं आदमी दूसरा का माथा पे खांस जाके अब आ रहा है यहाँ पे अब चाय लेने दो चाय दे रहे हैं जो पहले हाथ धो के
अच्छा बात है। थोड़ा सा भी नहीं लगता, इतना बड़ा हो गया है, समझ में ही नहीं आता है इसको। छाया चाय भाजी क्या करो यार, ये क्या मतलब है इसका? हाँ पूरा एकदम छींक रहे हो, छींक रहे हो, पी लो तुम ही चाय, ठीक है? अब हम क्या चुप हो यार, एकदम पियो अपना चाय तुम भी, ठीक है? तुम्हारा चाय कोई नहीं पीने वाला है। Two hours later. क्या कर रही हो जी? अरे बहुत दिन से नहीं देखे थे भाई, सोचे थोड़ा देखते हैं ये सब को भी, बीच बीच में देखना चाहिए। कुछ है जी सब? हुआ क्या है तुमको? एकदम सुबह से एकदम खांसे जा रहे हो, तुम सिरप, तुमको नहीं दिखता है, पी नहीं सकते हो सिरप, कफ कफ इलाज होना चाहिए ना, परेशान करके रखे हुए हो। अब खोख रहे हैं, खखर रहे हैं, तो तुम परेशान हो जा रही हो, लग रहा है तुम्हारा गलवा तक खखर रहे हैं। देखो ना कुछ कैसा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है जी, तो बहुत जूलरी खराब कर दोगी जी तुम। मेरा खोखिया खखरवा से तुम्हारी जूलरिया खराब है, आओ खखार गिरेगा तो साइन आ जाएगा, चमक जाएगा वो। क्या बोला तूने? दो थोड़ा सा कफ लगा के इसमें। छोड़ो ना तुम, हां एकदम सुबह से एकदम परेशान, खांसे जा रहे हो, मास्क नहीं पहन सकते हो तुम। तो हम जानबूझ के कोई खाते है जी, गला नहीं छिला जाएगा, मास्क पहन ले हम। हैं कोविड उविड हुआ गया है हमको जो मास्क पहन ले, बोलते ऐसे रही हो, कोविड हो जाएगा अगर हमको, आज तक तो हुआ नहीं भगवान की कृपा से, अगर सही में कोविड हो जाए तुम लगता है हमको छोड़ उड़ के भाग लोगे अपना मायके जी। हैं तुमने नहीं तो औरतें नहीं देखे हैं जी, अभी ये हाल है तो बुढ़ापा में क्या करोगी? लगता है लतिया उतिया के घरवा से निकाल दोगे, बूढ़ा हो जाएंगे तो। हैं एक खांसी, अब सही बात बोल रहे हैं ना, मुंह में आके खांस रहे, देखो खाए कैसे का। खत्म। क्या चीज? तुम क्या किए हो वहां पे? अरे अब अचानक आ गया तो हम वो थूकने का जगह तुमको दिख रहा है जो थूक दिया आराम से, तो हम क्या करें? मुंह गड़िया में ठेपी लगाए घूमते रहे, अब अचानक आ रहा है तो क्या करें? गांड मुंह में ठेपी नहीं लगा लेंगे जी, अब अचानक आ जाएगा, उल्टी हो जाएगा किसी को, चलते फिरते बस मिटले में उल्टी हो जाए तो क्या करता आदमी, दहिया भी उल्टी हो जाता है जी, तो आदमी क्या करे, अपने गर्दनियां काट लेगा। तुम सजा दे रही हो, हमको हो रहा है खांसी, गला खर 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 कर रहा है, खखार निकल रहा है, लोंदे लोंदे, तो हम क्या करें? लोंदे लोंदे तो हम क्या करें? चार कदम आगे जाके डस्टबिन में नहीं थूक सकते हो ना, मतलब तो हम भी बगल में मेरे ऊपर ही थूक दोगे तो? अब क्या पता हो भी सकता है, रात उतना आज कोई तब इन्होंने नहीं मिला, नींद में कुछ पता चलता है। क्या नहीं मिलेगा? सुनो ना, सुन, ज्यादा नाटक मत करो, वहाँ पे ना प्लास्टिक में डाल के अपना थूकते रहो, जो कफ वफ निकल रहा है तुमको, घिना कितना रही है। घिना तो उसको तो क्या करे, हाँ माथे में तिलक बना के उसको मुंह में। प्यारी समझ गई, पति का थूक खखार गुम सब पत्नी के लिए पवित्र होना चाहिए, घिनना नहीं मानना चाहिए। हमको तो पता नहीं था शादी के पहले की तुम इतना, अब देखते थे शादिया के पहले ई मुमा का बिस्कुट बा ऊ मुमा में, ऐसा कभी नहीं जिंदगी में दिन आया कि किट कैट जो चार गो स्लाइस होता है एगो अपने मुंह में रखती थी, कुछ मुंह से मुंह में ट्रांसफर करती थी, आज इतना घिनना बढ़ रहा है, पहले मुमा मुंह में घुस रहा था, ई मुमा का बिस्कुट बा ऊ मुमा में, ऊ मुमा का बिस्कुट बा ई मुमा में। आए कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लोटा, ये अश्लील है ये लोंडा। ओकर मुंह के बिस्कुट एकर मुंह में, एकर मुंह के बिस्कुट ओकर मुंह में जाते रहता, आज तो घिन आ रहा है, पहले
चोच में चोच लड़ाते रहती थी, जीना आता है। मजा आया। हमको पता नहीं था ना कि तुमको इतना खांसी खखार थूक सब कुछ तुमको ना है। दुनिया में कौन आदमी है कि हकता मुत्ता नहीं है? अब बोलोगी कोई आदमी से ऐसा शादी करे जो लेटरिंग नहीं करता है? आए अब खखार थूक सबको होता है भाई, तुमको नहीं होता? तुम्हारा सर्दी था तो हम नेटा पोंछ देते थे तुम्हारा। पागल बनोगे, कब तुम नेटा पोंछोगे? हां जो बहुत सारा सर्दी तुम्हारा होता था पोंछते थे हम, नहीं घिनना मानते थे। अब पत्नी होकर तुम घिनना मानती हो? अरे अरे बाप रे बाप। प्रॉपर एक हैंकी रखो, जब भी खांसो एकदम मुंह में ढक के खांसो, गजब इंसान हो। ए सुनो ना, अभी थोड़ा सा जो थोड़ा बथुरमा की तरफ जाके खोक के फेंक रहे थे ना, हाँ। तो कस के क्या बोले छोड़ो, क्या हुआ? अरे कस के ऐसे खोके ना, हाँ। तो हल्का सा पिटक दिए पैंट में। क्या पिटक दिए? मतलब पैखाना निकल गया पैंट में। राम तो सुनो ना, तो पैंटवा ना हमको हमको कल पीछे होते यहाँ पे हम रख दिए थे रतिया में सामान इसी में पिटके हैं। अरे 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 खींचना है इसको, खींचो ना जाके। खींचना है तो जाके खींचो, समझ में? हमको क्या समझ के रहे, नौकरानी समझ के रखे हो? हां जी, तब बूढ़ा उड़ा होंगे पैंट में धोती में और लुंगी में पखाना करेंगे तब तो तुम वही पीछे तो ही लतिया के भगा दोगी। लुंगी और बूढ़ा में इसको देखो, भगवान आज दिखा दिया, आज खाली खोखी सर्दी खूब खखार आ रहा है, तुम इतना घिना रही हो। थूक थूक खखार है, तुम क्या किए उसके अंदर? अरे हल्का सा निकल गया लैट्रिन में, पुखने पे जोर पड़ जाता ना, कैसे कोई खांसता कसके तो पड़क पड़क देता है, जोर पड़ता है ना जी पिछवाड़ा में। अब क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जैसे कल सब्जी लाने गए थे, जानती हो क्या हुआ सामान में? तुम बोली थी क्या क्या लाए थे सब्जी? आलू पटल बोरा लाए थे ना, पटल लाए थे। तब सब्जियां लेने लगे ना जी, तो सब्जी की मंडी के पास नहीं होती है तीन चार, हाँ हम तो थूक देंगे उसमें, तीन चार को लेडीज खड़ी थी जी, तो हम सब्जियां बड़ा ना पोलोथीन में बांधा था, हम ऐसे झुक के उठाने लगे ना, पेटवा पे जोर पड़ा फूक दिया ये पड़ा। सुनो ना, तुम ऐसे कर रही हो ना, तुम तो ऐसे घिना रही हो पा दे ना, तो तीन चार को जो लेडीज खड़ी थी ना, तो उन लोग हल्का मुस्कुराई, लेकिन बेचारी लोग समझदार थी, सोची सब नेचुरल चीज है निकल जाता है, तो क्या हुआ अब तुम यहाँ घिनना मान रही हो? नेचुरल चीज है थूक खार जी, ज्यादा जोर पड़ता है तो पिड़क देता है आदमी पैंट में, तो वही पिड़क दिए तो धो देना उसको थोड़ा सा। तुम ही लोग ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है यार, लड़का ही लोग ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है, जहाँ मन करता है वहाँ निकाल देता है। काहे तो लड़की को झड़झड़ी नहीं होता है, पतला पैखाना लड़की का नहीं होता है, पता भी नहीं चलता। होगा पैंट में पैखाना तो क्या करेंगे, तुमको छोड़ के भाग जाएंगे? राम राम छी, छोड़ी तो बात, ठीक है बात ही छोड़ दो। तुम तो ब्रह्मा पुत्री हो ना, तुमको कुछ होबे नहीं करेगा, बोलो मत ऐसे। आए जहाँ खाई छोला बटो ना, दो दिन रेस्टोरेंट में झड़झड़ाने लगोगी ना, तो फिर पति है ना साफ पाप करते रहेगा। तुम साफ करो, वो तो रहे घिन मान रही है। अब थूक खखार से आदमी घिन मानने लगा साला, यहाँ तो चलते फिरते बस से थूक देता है, पिड़िक देता है आदमी सीढ़ी उड़ी पे। तुम सारा काम वही करते हो ना, जो काम हमको नहीं पसंद एकदम सारा वही काम तुम करते हो। वही काम करते हैं हमको, अब लिखवा के पहले सदिया के पहले वो नोटिस बना देती कि हम ई मत करो तो पता चल जाता है। आई क्या करियो, करो ना तो हम कुछ कर रहे हैं, हम नहीं थूकेंगे, ठीक है बैठेंगे। वही तो बोल रहे हैं, क्यों तुम हैंगी नहीं रख सकते, तो रखो। Few inches later. देखो कितना खांसे जा रहे हो। अरे गला, औरत का नौ लखा हार और मर्द का खखार, ये सब का ना देखने लायक होता है सब चीज। हाँ देखने लायक होता, तुम्हारा बोलते प्रदर्शन ही लगाना चाहिए, म्यूजियम में रख दो अपने थूक और। अरे कहावत है कि औरत का सिंगार और मर्द का खखार, ये सब पूछने लायक। लो देखो मेरा खखार से उसको चमकाओगे तो चमकेगा। छूना मत तुम अपने हाथ से, समझ में आया ना? तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, छूना भी मत मुझे। देखो मेरे मना कर रहे कि उसमें मत थुको, मत थुको, नहीं समझ में आ रहे तुमको? तुम्हारा मुंह में थूक दे क्या, हम हाथवा दो हाथवा छानो थूक देते हैं। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। हाथ वाला देते हम क्या, हाथ यहाँ हाथ छनाते रहेंगे इसका। हाँ गजब यार, सच में एकदम बोल तो रहे, इतना तुम वाहियात इंसान हो ना, तुमसे तो बात हाइजीन नाम का ना चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। हाइजीन हाइजीन करते हो गांव में, सेंट लगा के दिन भर घूमते रहे, हाइजीन नाम का चीज नहीं है। हाइजीन वाला आदमी का क्या सिंग निकल रहता है? बात तो सही है। हाइजीन चीज नहीं है, हाइजीन चीज नहीं है, एगो क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया है तो हमेशा डेमोरलाइज कर देंगे। अब पतला पे खाना होगा तो उसके लिए इज्जत प्रतिष्ठा गवा दे, थूक खखार आ रहा तो उसके लिए हम साला जलील हो जाते हैं, अपने सिंगार पटार करके बैठल रहती है, इसको तो लगता है कभी खोखियो खासिया पादी होबे नहीं करता है। अरे वाह बड़ी प्यारी लग रही हो जी। अच्छा हम नहीं खाते उसे, ठीक है डरो मत। अच्छा लग रहा है, हां खराब हो गया देखो तो।
तू तो गया बेटे। क्या खास जा रहा, क्या खास जा रहा है? खास रहो, खास रहो, लगता है थूक है कहाँ फेंके बताओ तुम भी। अब इतना निकल जाओ थूक को। बार बार हम कितना दौड़े बाथरूम तक, उतना दूर पे बाथरूम है, रूम में बाथरूम है नहीं। सुहान फेंक के आओ बाहर, समझ रहा? अगर बाहर अगर नहीं फेंका है ना तो तुम समझ रहे हो? तुम्हारा वो विकल्प है, हाथ छानो, हाथ में फेंक के तुम फेंक के आ जाओ। पत्नी होना जी, इतना तो सेवा कर दिया। पागल हो गए हो क्या? लाओ ना जी, थोड़ा ठुकरा दो ना। क्या पागल पागल पनी है, क्या पागल पनी है? सर्दी खांसी थूक खखार, मतलब सुबह से एकदम घिन्ना एकदम बढ़ रहा है तुमसे। हमको घिन्ना बढ़ रहा है हमसे? अभी आवा के पहले ठीक मुंह के मुंह में किटकैट आओ, ई मुंह का किटकैट, ई मुंह का मिरिंडा, वो मुंह में ट्रांसफर हो जाता था, उसमें नहीं घिन्ना बढ़ता। यही मुंहवा से प्यार करती थी, आज यही मुंहवा से घिन्ना आ रहा है। चला सब औरत लोग एक जैसा होती है, ब्याह के बाद ना पति का ना इज्जत प्रतिष्ठा को लात मार देती है। अभी आके पहले ठीक आरती उतारी गई जैसे कि तुम स्वामी हो, तुम ही हो। अच्छा चीज ना सिखा रहे हैं, थूको यहीं पे, थूक दो। नहीं होता है यहाँ पे, कहीं थूकेंगे? बस होता है ना जी, नहीं हक भी तो यहीं पे, नहीं हक भी तो यहीं पे आते हैं फेंक के। वैसे एकदम नाटक एकदम लगा के रखा हुआ है, एकदम यहाँ थूक वहां थूक, साफ करते करते आदमी का शरीर जवाब दे देता है, इसको थूकना ही है हर जगह। रख देते हम, देखेगा। थूक दिए जी, थोड़ा राहत मिला जी। बाहर थूको, बाहर थूकने से तो मना नहीं कर रहे हैं तुमको। बाहर थूक के नहा देते हैं पूरा मोहल्ला गली। थूको ना, थूक तो पक्के घर पे जा जाके थूक। अच्छा थूक उग दिए, सुने ना, थूक उग तो हो गया। आप लगता है खांसी उसी ना, दवा उबा खाए ना, लौंग रखे तो मुझे ठीक हो गया। तो लौंग रखो अच्छे से, थोड़ा सा प्यार और होगा। सुनो ना, आप प्यार मुगन कुल्लूली सब कर लेंगे। नहीं हमको नहीं करना है, चुपचाप। अरे आप कफिंग उफिंग नहीं आ रहा है? एको चुम्मा दे दो कम से कम, जा रहे हैं ऑफिस, फिर शाम में जाना है। सुनो ना, ज्यादा पागल मत बनो, ठीक है? चुम्मा चुम्मी ना अपने पास ही रखो अपना। गजब बेइज्जती है। ताई जीता, एक दिन आज खांसी होगा तो तुम एक महीना चुम्मा नहीं दोगी? ठीक करो खांसी को अपने। अब मुंह के अंदर घुस के खांसोगे तुम? अच्छा ठीक है, गाल पे दे दो। नहीं हमको नहीं देना है, नहीं देना, नहीं देना हमको। तो साला लगता है ना कि पणियाइन से शादी कर ली है एकदम, मतलब कि इतना पोंगा पंडित तो हम देखे नहीं किए हैं। तुम काहे मठ उठ पे चल जाती हो, शादी ब्याह काहे कर ली? आए फगुआ पहन के एकदम पंडित बनी रहती। देखो क्या बोले, अब गैस उस सब बन रहा है, इतना खाद कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, बस गला लगाओ तब ठीक हो जाएगा। हट, हटो ना, हटो ना, बोले कि खांसी जाके तुम सिरप, तुमको नहीं दिख रहा है एक भी सिरप, घर में सारा सिरप खत्म हो गया है। ओह बाप रे बाप, तुम जानते हो तुम पूरे घर में फैला दोगे, ठीक है? ये ठीक है ना, मेरा तबीयत तुम खराब कर रहे हो। देखो तो टॉन्सिल भर गया है। कैसी लगी? क्या करे सब, सब प्रकृतिक चीज यार, बस करो जुबान, बहुत इरिटेट। करो तुम एकदम सुबह से एकदम परेशान कर दियो यार, इतना क्या खांसी है तुमको? दवाई लो, चलो डॉक्टर के पास। हल्का पानी गया, पतला पानी नहीं है, ज्यादा हल्का है। क्या करे, हल्का पानी है, देखो क्या क्या हुआ जी, ऐसे देख रही हूँ। क्या हल्का पानी है? तुमको पूरा जगह छोड़ के तुमको यही मिला पूछने के लिए? यहाँ पे कहाँ कोई कपड़ा दिख रहा है, तकीवा में पूछ ले, क्या अपना सटवा में पूछ ले हम। आज तुम ना बाहर सो गए, ठीक है, हॉल में जाके सो गए, आज ना तुमको यहाँ सोने नहीं देंगे। यहाँ सोना है तो नीचे नीचे सो गए, समझ में आया? हाँ ठीक है, नीचे सो लेंगे। अरे बाप, एकदम पूरा बताओ, अब इसको जाना पड़ेगा हमको धोने के लिए, समझ में आया? एकदम पता नहीं खांसी खांसी, हम लोगों को भी खांसी होता है लेकिन इस कदर हम नहीं छींकते और खांसते हैं, समझ में आया? गू है कि धोने जाओगी, इतना घिन आ रही है। अब तुमको ना मम्मी बनना बहुत जरूरी हो गया, बाल बच्चा का लेटिंग पे खाना खोक खखार सब पोछोगी ना तब दूर होगा। शादी के 3 साल बाद तक नहीं किए ना, अब जरूरी है, अब एक बच्चा चाहिए हमको। इसको ना, इसको बहुत घिन आ रहा, आज पहला बार देखे ये रूप इसका। ये रूप नहीं, हम तो यही सोच के जी रहे थे कि प्यार में आदमी सब कुछ करता है। हम तो यही सोच रहे थे कि हमको अगर जिस दिन पतला पे खाना होगा, मेरी पत्नी हर चीज में चड्डी गेंदरा सब पी देगी,
ये तो घिना रही है बस खा रहा थूके से। यार हमको इससे सच में बहुत तो अच्छा चीज तुमको सिखा रहे हैं, बात समझ में तुम्हारे नहीं आ रहा है। अच्छा चीज सिखा, अच्छा कोची है, नकिया से अमृत निकाले की गणिया से अमृत निकाले, अच्छा खाची होता है आदमी का शरीर में, क्या अच्छा है ऐसा है कोची निकाले, अच्छा किसको बोलते हैं, मेवा गिराए नकिया से आए। खांसने पे काहे पिटोगी भाई, तो अपना ना खांसोगे कि मेरे मुंह पे आके खांसोगे, हर जगह पूरा एकदम छींक पे छींक फैला दियो, एकदम हर जगह थूक 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 पूरा घर ही थूक 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 छे। और ना खांस मेरे पिल्लों पे तुम नहीं खांसोगे समझ में, एक हैंकी लो जिसका हैंकी में खांसो है, वार्डरोब में हैंकी ठीक है, हम दे रहे हैं तुम मत छूना, हम आते हैं निकालते तुमको देते हैं, और सैनिटाइजर वहां पे रखा हुआ है पूरा छिड़क दो रूम में, बहुत रहा एकदम पूरा कपड़ा एकदम गंदा कर दिया, अभी हमको फिर हमको इसको धोना पड़ेगा। हाँ गजब करते एकदम नेटा वेटा थूक खखार सब तुमको इसी में पोंछना है। वैसे क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, देख रहे हैं कि पत्नी का असली रूप क्या होता है, यही देखें। 8:01 PM क्या चाह रहे हो, तुम यही चाह रहे हो कि खाना भी नहीं खाए, तो हम मुंह पे कपड़ा अब घर से बाहर भाग गए जी, यही से चिड़ रही हो, अभी भी तुम्हारी खांसी नहीं ठीक हुआ, अभी भी तुम उतना ही कफ कर रहे हो इधर से उधर, खांसी एक के दिन में ठीक हो जाता, रूम में पहुंच दिए एक घंटा बाद, अब एक घंटा बाद हम बैठे हुए हैं, अब तो रूम आराम करो, आराम नहीं कर सकते हो, एक आग और खिला दोगी मुंह में। Oh my God! Wow! जल्दी दो ना जी, इतना बैठ कहे कर पा रही हो, खांसी उसी आ जाएगा, कंट्रोल किए हुए हैं, जल्दी दो, दे रहे हैं एक सेकंड रुक जाओ, हर चीज में इतना हड़बड़ हड़बड़ क्या करते हो, जल्दी जल्दी आ रहा खांसी आ रहा, जल्दी अरे, अरे मत खांसो ऐसे, खा लो पहले, हमको लगा तू हमसे घिना रही हो, मुंह में खाना खिला दी, दिल को तसल्ली मिला, तुमने अभी भी प्यार है मेरे लिए, गजब तू भी आज आदमी हो, खाना ना आदमी सबको खिलाता है, ले और सुरसुरी लगेगा, गजब कर दो यार, इतना क्या एकदम खांसे जा रहे हो, खांसे जा रहे हो, खाओ जो क्या पहली वाला खाना, समझ में ना हमको नहीं खाना है खाना, परेशान एकदम करके रखे हो, बाप रे इतना क्या एकदम खांसी हो गया है, नाटक कर रहे हो यार, तुमको खाना तुम खाओ हम नहीं खाएंगे, हाँ प्रैंक कर रहे हो तुम हमको, ज्यादा ना काबिल समझते हो, हाँ आंख से देख रहे हैं खांस रहे हो, खांसे जा रहे हो, खांसे जा रहे हो, अरे प्रैंक था जी, हल्का खांसी हुआ था तो सोचे इस पे वीडियो बना ले, ऑफिस से आ रहे थे ना खरखसार एसी में सोए रात में, गाड़ी में एसी ऑफिस में एसी, तो थोड़ा सा गला फ्रूटी उटी पी लेते ना खराब हो गया था, लेकिन अब ठीक है, ऐसे हल्का था लेकिन इसमें थोड़ा हमको नहीं, नहीं खाना, ये खाना तुमको खाना है, हम खिला देते हैं तुमको, नहीं हम नहीं, हम नहीं खाएंगे, अरे पति का है कि पति का जूठा भी आदमी खा रहा है, खाओ हां भाओ यहां से जूठा वाला, अरे ठीक है हम खा लेंगे, छोड़ो नहीं खाओगे तो खाओ, जब हम जा रहे हैं दूसरा खाना लाने के लिए ठीक है, और बोल रहे हैं इस खाना होना के साथ ना इतना मजाक मत क्या करो, समझ में आया, मजाक क्या कर हम खा लेते हैं, बर्बाद थोड़े होने देंगे, तुम दूसरा अपना निकाल के खा लो, खाओ जो क्या प्रैंक कर रहे थे इसको बोल दिया, तैयार ही घिनाती है, गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।